चैनल माइनिंग सपोर्ट ये माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का क्विज पार्ट टू है इसमें से आपको काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाला है ठीक है तो आप इसको कंटिन्यू वॉच करते रहें ठीक है देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस सेशन का जो भी आंसर्स है आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स में मिल जाएगा आप वीडियो वॉच करते हुए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका आंसर कॉन्क्टिवली वॉच कर सकते हैं और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाउ मच आंसर यू हैव अपीय और करेक्टेड सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सेल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है इम्प्लीमेंट करने का पॉइंट ही बोल रहा है मैनेजर पॉइंट भी बोल रहा है मैनेजर एंड एजेंट पॉइंट से बोल रहा है मैनेजर एंड इंजीनियर पॉइंट डी बोला है ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ठीक है जो भी आंसर आपको अप्रोप्रिएट लगेगा आप उसको देख करके आंसर कमेंट करें ताकि हमको पता चलेगा कि यू आर इंटरफेयरिंग विद द क्विज नाउ क्वेश्चन टू सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सेल कंटेंट सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या क्या कंटेंट करता है पहला बोल रहा है प्रिंसिपल हैजार्ड management plans a standard operating procedures way to evaluate performance of safety management plan and to correct the shortcomings here point D all a plan to review and continually improve the plan point D all of the above फिर पॉइंट क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टिव है और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एग्जामिनेशन पर्पज से काफ़ी स्टडी करने के बाद इसको बनाया जाता है ठीक है आप इसको बिल्कुल रूप से इस टेस्ट में या क्विज में अपीयर होंगे और उससे होने वाले बेनिफिट से आप अपने आप को अवगत कराएंगे चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री इन ए मैकेनाइज ऑफ कास्ट माइंड हाइट ऑफ बेंच इन कोल एंड हार्ड ऑवर बर्डन सेल नॉट एक्सिड दिगिंग हाइट और रीच ऑफ देशन मशीन एंड दॉट बी लेस तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पहले एक पॉइंट मिल रहा है हाइट ऑफ बेंच इन कोल एंड हार्ड बोर बर्डन सेल नॉट एक्सीड द डिगिंग हाइट और रीच ऑफ द एक्सकेबेशन मशीन ये सबको जानकारी में रहता है कि डिगिंग हाइट से अधिक नहीं होना चाहिए हाइट क्या ओबी का ठीक है लेकिन दूसरा बोरा है एंड द वि नॉट बी लेस देन और चौड़ाई जो है कितने से कम नहीं होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में जो बेंच का चौड़ाई है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए पॉइंट ए बोरा है विर्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन फ्लाइंग ऑन द बेंच प्लस टू मीटर पॉइंट बी बोरा है इफ डंपर्स फ्लाई ऑन बेंच थ्री टाइम्स द विथ ऑफ द दाइडेस्ट डंपर पॉइंट सी बोरा हाइट ऑफ द बेंच पॉइंट डी बो रहा लार्जेस्ट ऑफ द एब एप्रोप्रिएट आंसर कैन बी करेक्टेड और लिस्टेड As per your convenience in a comment box. Otherwise, if you want to match the answer, then you go through the description box consecutively to match the answer. Okay. Question number four. Bora slope of overburden dump shall not be. Sorry, slope of ob dump shall be first option A. Determined by natural angle of repose of the dump ob, not more than thirty seven point five degree. पॉइंट सी बोल रहा है स्टीपर देन 37.5 डिग्री इफ रिकमेंडेड बाय साइंटिफिक एजेंसी आफ्टर साइंटिफिक स्टडी एंड अप्रूव्ड बाय रीजनल इंस्पेक्टर और पॉइंट डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है मैनेजर शैल फ्रेम ए कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ए न्यू टाइप ऑफ मशीन एंड इटसेल्फ प्रोवाइड फोर पहला सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर दूसरा बोल रहा है टेस्टिंग ऑफ मशीन बिफोर फर्स्ट यूज आफ्टर रियक्शन मेंटेनेंस और रिपेयर पॉइंट सी बोल रहा है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मशीन एंड सब असेंबलीज ऑल ऑफ द एबब चूँकि आप पहले इसमें इंटरफेयर करें तब हमको पता चलेगा कि क्यूज आपके लिए इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तभी हम इस पर फिर अप्रोच लगाएंगे अदरवाइज ये क्विज फिर बंद हो जाएगा ठीक है इसलिए गिव कमेंट देन आई वुड आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर इंटरफेरेंस रिगार्डिंग दिस क्विज ओके क्वेश्चन नंबर छह बोल रहा है सी एम आर क्या प्रोवाइड करता है पहला डिस्टेंस ऑफ बिलो ग्राउंड वर्किंग नियरेस्ट टू द माइंड बाउंड्री शैल नॉट बी लेस देन हाफ द स्टेचुटरी पिलर लेंथ फॉर द डेप्थ ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोल रहा है बेरियर इन डिफरेंट सिम शैल बी वर्टिकली कॉन्डेंट एज फार एज प्रैक्टिकेबल पॉइंट सी बोल नो अपन कास्ट वर्किंग सेल बी मेड विद इन सेवन पॉइंट फाइव मीटर ऑफ द बाउंड्री और पॉइंट डी बोरा है ऑल ऑफ द एबव ठीक है आपको अप्रोप्रिएट आंसर जो लगे आप उस पर चुन करके इसको कमेंट करें ताकि हमसे इतना क्वेश्चन सर जो है करेक्ट हो पा रहा है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लेवल ऑफ टफनेस और इजीनेस को हम ध्यान में रखते हुए फिर क्वेश्चन सेट करेंगे ठीक है फिर चूज द करेक्ट इन चूज द इन ऑप्शन जो हमारा है इसमें बोल सपोर्ट प्लान इंक्लूड्स पहला स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट्स एंड सपोर्ट इंटरवल्स फॉर इस टाइप ऑफ वर्किंग पॉइंट भी बोल रहा है सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस पॉइंट सी बोल रहा है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टाटा बिहेवियर और पॉइंट बी बो रहा है असमेंट ऑफ मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट मटेरियल ठीक है तो जो भी सपोर्ट प्लान इंक्लूड होता है सपोर्ट प्लान में वो चीज आपको जो करेक्ट है उसको नहीं इनकरेक्ट को सिलेक्ट आउट करना है ठीक है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन से फिर बोल रहा है ऑनर एजेंट एंड मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट तो ऑनर एजेंट या मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होते हैं इंप्लीमेंट करने का ठीक है लागू करने का पहला स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान स्कैम जो रेगुलेशन वन ट्वेंटी थ्री के अधीन आता है फिर पॉइंट बी बो रहा है सपोर्ट प्लान पॉइंट सी बो रहा है कोड ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर सपोर्ट और पॉइंट डी बोल रहा है प्लान फॉर इंस्टॉलेशन विदड्रॉवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर सपोर्ट्स एंड पॉइंट ई बोल रहा है फाइनली ऑल ऑफ द अबव ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन चूंकि इसमें दस ही क्वेश्चन इस सेशन में लाया गया है ठीक है और इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा क्योंकि कोई कोई है कि बीच में से वीडियो वॉच करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान में देने के लिए कि आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है स्ट्राटा मॉनिटरिंग सिस्टम इन लॉन्गवाल पैनल इज रिक्वायर्ड टू तो स्ट्राटा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है लॉन्गवाल पैनल में किस चीज़ का जरूरत रखता है पहला अंडरग्राउंड बिहेवियर ऑफ स्ट्राटा फिर मैंने किससे कोरिलेट होता है स्ट्राटा मॉनिटरिंग सिस्टम इन लॉन्गवाल पैनल इज रिक्वायर्ड टू अंडरग्राउंड बिहेवियर ऑफ स्ट्राटा पॉइंट बी बोल रहा है मेजर परफॉर्मेंस ऑफ स्टाटा सिस्टम पॉइंट सी बोल रहा है वेरीफाई एग्जिस्टिंग डिजाइन पैरामीटर्स फॉर प्लानिंग ऑफ फ्यूचर पैनल्स एंड पॉइंट डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर दस बोल रहा है कि स्टाटा मॉनिटरिंग प्लान फॉर लॉन्ग वाल पैनल सेल कंटेन ठीक है स्टाटा मॉनिटरिंग प्लान फॉर लॉन्ग वाल पैनल सेल कंटेंट वहाँ पे रिक्वायर टू किसका आवश्यकता है क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन है आप इस पर ध्यान दें और इसमें बोल रहा है कि स्टार्टा मॉनिटरिंग प्लान फॉर लॉन्ग वाल सेल कंटेन क्या कंटेन करता है तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें जो कंटेन करता है उसको आप सेलेक्ट आउट करेंगे ठीक है तो पहला क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन स्कीम बी बोर्ड है मॉनिटरिंग शिड्यूल्स सी बोर है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ परसन इंगेज इन ऑफ़ द प्लान पॉइंट बोरा रिकॉर्ड्स टू बी मेनटेन्ड एंड पॉइंट ई बोरा ऑल ऑफ द एबब ठीक है एज पर योर कन्वीनियंस गिव सेटिस आंसर एंड मस्ट वॉच इस नेक्स्ट पार्ट्स फ्रॉम माइनिंग सपोर्ट माइन मैनेजमेंटलाइजेशन एंड जनरल सेफ्टी ठीक है ये आपको टेस्ट के लिए एक तरह का एनर्जेटिक करने के लिए एक एक सेशन चलाया जा रहा है ठीक है आप इस पर इंटरफेयर करें आपको यदि यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप उसको कमेंट करें और इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आप वॉच कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ अपना भी आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यदि नज़र आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करें ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे कनेक्टेड विथ माइनिंग सपोर्ट फॉर गेटिंग advantages regarding study of mining branch. Thank you.